क्या मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ? हाँ कर लो यहाँ से। फोन पर बात करो और उससे सोच समझ कर बात करना। हेलो, कहाँ हो जोकर? तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? मेरा फोन खो गया है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त कहाँ पर हो तुम जोकर? अरे सब कुछ ठीक है यार, पता है ना मुझे छुपना होगा जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। पर तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जहाँ मैं छुपा था वहाँ बहुत ठंड थी, इसीलिए मेरी आवाज नहीं निकल पा रही। अच्छा ठीक है जोकर, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो आदमी बहुत बड़ा खूनी है, उसने मेरी आंटी को मार दिया और तुमने देखा ना, उसने डोंकी स्किन को भी मार डाला है। पर तुम मुझे बताओ तुम हो कहाँ पर? मैं एक दोस्त के घर पर हूँ, लेकिन अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मिकेला। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। मैं यहाँ हूँ डाउनटाउन होल 12th स्ट्रीट एंड 5th एवेन्यू में। किस होटल में? इस होटल का नाम क्या है? पैरिस होटल। मैं यहाँ पैरिस होटल में हूँ, तुम यहाँ पर आओगे क्या? हाँ, आता हूँ, तुम वहीं पे रहना, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ मिकेला। जल्दी। ठीक है मैं इंतजार करूंगी। देखा ना, ये इतना मुश्किल नहीं था। जैसे ही वो हमको मिलेगी तुम आजाद हो जाओगे मिकेला। तुम मेरे इस कॉल के पैसे रूम से ले लेना। पर मैरियाना हमेशा के लिए नहीं छिप सकती, और वैसे भी जूलियन को अपने बेटे से मिलने का हक है। मैंने भी उसे ये कहा था, मगर तुम पैटी को जानती हो ना, गुस्से में वो किसी की भी नहीं सुनती है। हाँ ठीक है, पर फिर उसने तुम्हें फोन क्यों किया था? ये जानने के लिए कि क्या मुझे जूलियन के बारे में कुछ पता है। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और क्या तुम्हें जूलियन के बारे में कुछ खबर है? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें है क्या? नहीं कुछ नहीं पता। पर सैमुअल को क्या हुआ है, वो कैसा है? उसकी हालत अच्छी नहीं है, जब से उसने अपने पापा के बारे में टीवी में सुना वो बहुत परेशान रहता है, ना वो खाता है और ना वो सोता है, बहुत कमजोर हो गया है। पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ खास नहीं, वैसे अगर हम चाहें तो मारियाना को ढूंढने की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और जूलियाना तुम्हें मिला तो तुम मुझे इस बात की खबर करोगी ना? हाँ पक्का, और तुम मुझे बताना अगर तुम्हें मारियाना के बारे में कुछ पता चले। हाँ एक्सक्यूज मी। नहीं कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अब ये लीगल इशू काफी बढ़ता ही जा रहा है। खैर बात तो एक ही है कि 20 साल बिना अपने बेटे को देखे जेल के सलाखों के पीछे काटना। सही कहा तुमने, ऐसे हालातों में पता नहीं मैं क्या करता है क्या नहीं करता। और ऐसे वक्त में शायद मैं अपने पुराने दोस्तों को ढूंढता। हाँ शायद उसने ऐसा ही किया हो। शायद ऐसा ही किया हो। एक ना एक दिन तुम मुझे मुसीबत में फंसा ही दोगी। ये काम बहुत जरूरी है रीटा, पर तुम्हारे लिए नहीं मुझे लगता है। तुम्हें पता है ये मेरे लिए नहीं है, एस्परांजा के लिए है, वो आजकल बहुत परेशान है। हाँ पर आखिर परेशानी क्या है? कल हमने न्यूज़ सुनी इसके बारे में है। हमने सुना कि राकेल जराटे का खून हो गया है, और हमें ये पता करना है कि मिकेला का क्या हुआ। मेरा मतलब वो औरत मर गई है तो फिर उस बच्ची का क्या हुआ जो उसके साथ रहा करती थी? मैं इंटरनेट पर देखकर बताती हूँ। सच में? हाँ तो हमारी डील का क्या? तुम्हें तो पता ही है। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा राकेल जराटे जिसके बारे में हमने न्यूज में सुना वो मिकेला की आंटी ही है। परेशानी यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक लड़की वहां से गायब है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी बिल्कुल अकेली है। हाँ रिपोर्ट में तो यही लिखा है। ओके बेबी, पता है ना कि आगे क्या करना है? मिकेला को तुम पास आने दोगे और उसे जरा भी एहसास नहीं होने दोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, समझ गए? समझ गए ना? और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे
तुम्हें मार दूंगा। अब जा। अरे जानो तू। मुझे लगा कि तुम चली गई होगी। अपने दोस्त से तुम्हारी बात हुई? हाँ वो ठीक है, और वो थोड़ी ही देर में मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को फोन करने वाला हूँ। पता नहीं तुम उनसे बात करोगी या नहीं। मेरी बात सुनो, वो डायरी पढ़ना अलग बात है और एक साथ रहना अलग बात है। सारे फैमिली मेंबर्स का एक साथ एक छत के नीचे प्यार से रहना। धीरे धीरे, तुम जानती हो मिकेला, मुझे यकीन हो गया है कि उस डायरी को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए जगह बन जाएगी। और तुम्हें पता है मैं बदलती नहीं हूँ। जानती हूँ सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। तुम्हारा मन बदल जाए तो जानती हो ना क्या करना है। हे प्रभु हमारी रक्षा कर। स्प्रिंजा फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। जोकर मिकेला यहाँ खतरा है। भागो यहाँ से, भागो। तेरी तो मिकेला हेलो, हेलो, क्या हुआ? जोकर मारा गया, उन्होंने उसे मार दिया। वही पार्किंग लॉट वाला आदमी है, उसी ने मारा है। जल्दी भागो। चुप चुप, शांत शांत। जॉनी वो यहाँ पर नहीं है बॉस। जॉनी चलो जल्दी जल्दी। निकला वहां नहीं, यहाँ यहाँ इस तरफ। चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो जब तक हम इस होटल के सभी दरवाजे खोलकर देख नहीं लेते हैं, ठीक है? अब बताओ चाबियां कहाँ है। जॉनी बॉस चलो चलो चुपचाप। चुप, अब कहाँ जाए, कहाँ जाए यहाँ से? वो मुझे भी मार डालेंगे, मैं जानती हूँ। मुझे भी मार डालेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो, हर हाल में हमें यहाँ से निकलना होगा। प्लीज चलो आ जाओ यहाँ से। कौन है तुम लोग? हिलना मत। बॉस वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है बॉस वो। चुप हो जाओ, कहाँ गए हो? Yeah.
पता नहीं कहां गई। अब क्या करें? शुक्रिया सर। निकेला मुझे दे दो, मैं पकड़ता हूं। लाओ। सर थोड़ा पानी मिल सकता है मुंह धोने के हाँ, लिए? हाँ वहां है, ले लो। शुक्रिया। अकेला मैं समझ सकता हूं, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें यहां से निकलना ही होगा, समझ रही हो? हमें जाकर उस ट्रक में छुपना होगा कैसे भी करके। आओ मेरे साथ, आओ आओ प्लीज। वो उसे जरूर अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह हादसा जब हुआ तब वो वहीं पर था। वो किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट के पास इसका एक्सेस नहीं है और ना ही उसे इन बैंक अकाउंट्स के बारे में कुछ भी पता है। मैंने इंटरव्यू खत्म करने के बाद तुम्हें फोन किया था पर तुमने उठाया नहीं। जब तुम्हारा फोन आया तो मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, फिर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? सच कहूं तो बहुत बुरा, मुझे सच में लगता है कि मैंने बेवकूफी की। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो मारी, वैसे भी तुमने बहुत पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और इंटरव्यूज में ये सब होता ही रहता है, और वैसे भी तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वो जूलियन है, उसने तुम्हें शादी के बाद नौकरी नहीं करने दी। मुझे अच्छे से याद है कि तुम कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी। मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे जॉब देगा, मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है रिकार्डो। तो फिर तुम क्या हाइड्रोस्फीयर में जॉब करना चाहोगी? मारी, देखो इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक मौके की जरूरत है, तो क्या हुआ अगर दूसरी कंपनी तुम्हारा टैलेंट नहीं देख पा रही है? मुझे तुम पर भरोसा है, अगर तुम काम करना चाहो तो मेरी कंपनी में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। तुम करना चाहोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम ये जरूर समझोगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। मेरी प्यारी बच्ची, मेरा सपना है कि तुम मुझसे मिलने यहां आओगी। हाँ। हाँ।
जॉनी, मुझे पता है कि उस लड़की तक कैसे पहुंचना है। उसकी मां के जरिए, एस्परेंजा गोमेस, जो कि इस वक्त जेल में बंद है। तुम्हारे सर के नीचे रख रहा था मैं। अब सो जा। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मुझे और अपनी मां को नहीं, वो इस वक्त तुम्हारे बारे में ही सोच रही होगी, मुझे यकीन है। ये ट्रक रुकते ही हमें पता करना होगा कि हम कहां हैं। मुझे साइलेंटो जाने का रास्ता ढूंढना होगा। कहां? साइलेंटो, एक डिपार्टमेंट में। मुझे वहां गोल्डन पीक नाम से कुछ ढूंढना है। उसका मिलना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। ये गोल्डन पीक क्या है? मैं खुद नहीं जानता, रेस्टोरेंट है या कुछ और। और तुम्हें वहां पर क्या काम है? किसी को ढूंढ रहा हूं, मेरी जिंदगी का सबसे अहम इंसान। तुम अकेली नहीं हो मिकेला, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपके पेपर सर, प्लीज दिखाइए, मैं इस पर साइन कर देता हूं। ओके। मेरे पास हैरिसन के कातिल का पूरा डेटा है। उसका नाम मिकेला है, वो 17 साल की है और एस्परेंजा गोमेस की बेटी है, जो कि इस वक्त ब्लेस्ट जेल में बंद है। हॉस्टन, तुम जानते हो कितने सालों से जेल में बंद है और उसका कसूर क्या था? हाँ, मुझे पता है। उस पर बच्ची के बाप के खून का इल्जाम है और वो 10 सालों से जेल में बंद है और अभी भी उसकी सजा 15 साल बाकी है। अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा कम हुई थी, लेकिन उसने जेल से भागने की कोशिश की, इसी जुर्म में उसकी सजा और बढ़ा दी गई। तुम कहां से शुरुआत करोगे? तुम्हें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से हम हैरिसन के असली कातिल को ढूंढ सकते हैं? जी, मैं एक अंडरकवर ऑपरेशन करना चाहता हूँ, एनजीओ प्रतिनिधि बनकर, और मेरे साथ मेरे लोग बैकअप में रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग आपस में जरूर बात करते होंगे। अगर हम एस्परेंजा को टारगेट करें तो हैरी के उस कातिल लड़की तक पहुंच सकते हैं। ऑस्टन, ये तो बहुत ही बढ़िया अंडरकवर ऑपरेशन होगा और मैं तुम्हारी पूरी तरह से सहायता करूंगा। मुझे इस केस में बस रिजल्ट्स चाहिए। हैरिसन के असली कातिल को पकड़ो, तुम ये कर सकते हो। शुक्रिया सर। काम शुरू करो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए।
चलो चलते हैं। अच्छा क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हें भूख लगी है? हाँ हाँ। कुछ खाने के लिए ले आओ, ये लो। सिर्फ इतने ही? हाँ बस यही है, जाओ। सर। हाँ बोलिए। ये रास्ता ही बैगू की तरफ जाता है क्या? हाँ ये जाता है। यहाँ से सेलेंडो पास के लिए कोई बस जाती है क्या? हाँ दिन भर में कुछ बस जाती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। फिर तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये फ्रेंच फ्राइज कितने के हैं? 5,000 की। 5,000? मुझे 3 दे दो। ये लो। सर अपने पेपर्स दिखाइए। सर प्लीज सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए।